नमस्कार भाई लोगों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपके यहाँ बरसात कैसी हो रही है मेरे को कमेंट्स में लिखना। तो गाइस, आप आज मेरे ब्लॉग में देखोगे कि हिमाचल में स्वादिष्ट पोहा कैसे बनाया जाता है बरसात के मौसम में। तो आओ गाइस, चलते हैं और बनाते हैं अपना स्वादिष्ट पोहा। तो भाई लोगों, ये है पोहा। आज बनाएंगे हम पोहा, आप इसे भिगाएंगे। भाई लोगों, पोहा हमने भिगो दिया है। तो भाई लोगों, ये है पोहा जो हमने 2 मिनट भिगो दिया था। ये रहा प्याज, ये रहा कड़ी पत्ता, ये रही मूंगफली, ये रहा नींबू, मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, और ये है सरसों के दाने। ये इतने से डालने हैं थोड़े से। तो आओ गाइस, चलते हैं और बनाते हैं अपना स्वादिष्ट पोहा। गैस जला दी और तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और चुटकी भर सरसों, मूंगफली। अब इसे थोड़ा भून लेंगे। तो भाई लोगों, ये भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन डाल दिया है। इसमें अब डालेंगे कटी हुई मिर्च, इसे भी भून लेंगे अच्छी तरह। कड़ी पत्ता, इसका स्वाद अलग आता है थोड़ा बढ़िया वाला। और ये हिमाचली स्टाइल में बन रहा है पोहा, सिंपल स्टाइल में। अब इसमें डालेंगे हल्दी, भूनने के बाद हल्का हल्का भूनेंगे इसे। मिर्च पिसी हुई, आप इसमें देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार। अब डालेंगे भाई लोगों इसमें पोहा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पूरा अच्छी तरह से मिलाएंगे बढ़िया से। इसका रंग वाइट है थोड़ा, इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, फिर बढ़िया हो जाएगा इसका कलर। देखो भाई लोगों, कितना अच्छा कलर निखर के आया है। अब डालेंगे इसमें नींबू, निचोड़ेंगे बढ़िया से। तो भाई लोगों, ये कलर देखो कितना अच्छा आया है। हम इसमें मटर भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, बहुत तरीके से बनता है। लेकिन हम हिमाचली स्टाइल में, सिंपल स्टाइल में पोहा बनाया है हमने। बेटा कैसा बना है पोहा? वेरी गुड। तो भाई लोगों, आपने देखा कि हिमाचल में जो पोहा बनता है कितनी आसानी से बन जाता है, और बरसात के मौसम में बहुत मज़ा आता है इसे खाने का। तो भाई लोगों, आप भी अपने घरों में पोहा आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करना, लाइक्स करना, और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस। मैं अगली वीडियो में जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।